मैकडॉनल्ड्स का बर्गर वर्ल्ड फेमस है और मेरा फेवरेट बर्गर है मैकवेजी बर्गर। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैकवेजी बर्गर आप घर में कैसे बना सकते हैं। इसमें हम कोई प्रेजर्वेटिव यूज नहीं करेंगे, कोई केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, बहुत आसानी से घर में बन जाएगा। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बर्गर की टिक्की यानी कि पैटी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इस पैटी को आप फ्रीज कर सकते हैं एटलीस्ट 3 महीने तक। तो शुरुआत करते हैं। पैन में लेना है थोड़ा सा तेल। इस पैटी को आप बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल जब गर्म हो जाए इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को मीडियम आंच पे भूनना है, इसे बहुत हल्का हल्का सा पिंक करना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। एक विशेष टिप्पणी मैं आपको दूंगी, हमेशा जब भी आप प्याज को भूने उसके साथ डालना है थोड़ा सा नमक। इससे जो प्याज है वो और भी ज्यादा अच्छे से भुनता है। जब तक प्याज साइड पे भुन रहा है हम इसमें पोहा भी यूज करने वाले हैं जिसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी। इस बोल में लेंगे थोड़ा सा पोहा। पोहा में पानी डाल लें, इसे वॉश कर लेना है, इसे एक दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो अनियन है ये हो गया है पिंक। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे बाकी की सारी सब्जियां। तो मेरे पास यहाँ पे है गाजर और बीन्स, दोनों को ही हमने बारीक कट किया है। इसी के साथ इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो चॉप किया हुआ गार्लिक भी आप पहले ही भून सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पार्सली और इसे अच्छे से भून लें। सब्जियों में डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमें इसे ढक के पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। सो जो हमारी गाजर और बीन्स है यह पक चुकी है। इसमें डालेंगे मटर। मटर डालने के बाद इसे हल्का सा मैश कर लें। सो ये जो वेजिटेबल का मिक्सचर वाला बेस है ये हो गया तैयार। अब इसमें डालेंगे आलू। सो आलू को मैंने ऑलरेडी प्रेशर कुकर के मैश कर लिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एट दिस पॉइंट हमें गैस को कर लेना है बंद। सो ये जो आलू का मिक्सचर है इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे मेरे पास पोहा है, पहले पोहा को अच्छे से मैश कर ले, उसके बाद ये आलू का मिक्सचर इसमें डाल के ठंडा कर ले। ये जो आलू का मिक्सचर है इसे हम डालेंगे पोहा में, इसे अच्छे से मिक्स कर ले। ये मिक्सचर को ठंडा करके हम इसे शेप देंगे पैटी का। सो आलू का मिक्सचर हो गया है तैयार। अब इसे शेप करना है पैटी की तरह। जो पैटी का साइज है वो मैच होना चाहिए आपके बर्गर के साइज से। इस तरीके से पैटी को शेप करें। अब इसे हम रख लेंगे एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर। सो टिक्की हो गई है तैयार। अब हमें इसे फ्रिज में चिल कराना है। जब तक ये चिल करेगी तब तक हम बनाएंगे बैटर कोटिंग के लिए। मैकवेजी के बैटर के लिए हम यूज करेंगे 3 अलग फ्लावर्स का मिक्सचर। पहला है मैदा, अगर आप चाहें तो आप होल व्हीट आटा भी यूज कर सकते हैं। इसमें डालेंगे कॉर्न फ्लावर यानी कि मक्की वाला स्टार्च। कॉर्न मील यूज नहीं करना है, वो हम यूज कर रहे हैं लेकिन अलग है वो। तो ये है कॉर्न मील यानी कि मक्की का आटा और ये है कॉर्न फ्लावर यानी मक्की का स्टार्च। दोनों ही हमें डालने हैं। जितना आप मैदा यूज करेंगे उसका हाफ हाफ हमें लेना है मक्की का आटा और कॉर्न फ्लावर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसे पहले मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक थिक सा बैटर तैयार कर लेना है। पानी थोड़ा कोल्ड होना चाहिए, अगर आप चिल्ड पानी यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा बैटर बनेगा। ये बैटर हो गया है तैयार, काफी गाढ़ा बैटर हमने तैयार किया है। सो पैटी शेप हो गई है, अब हम इसे कोट करेंगे। इसे कोट करने के 2 स्टेप्स है। एक तो हमें इस बैटर में डालना है, उसके बाद ब्रेड क्रम में हमें इसे कोट करना है। इसके लिए मैं बुलाऊंगी अपने एक फ्रेंड को, गनू। So, एक बात तो है कि खाना बनाने का, खाने का मजा बिकम्स डबल अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ काम करो तो। सो, यहाँ पे गणेश ने हमारे लिए पैनको ब्रेड क्रम्स को एक बोल में डाल दिया है। ये पैनको ब्रेड क्रम्स है, अगर रेगुलर ब्रेड क्रम्स भी चलेंगे, है ना, कोई भी ब्रेड क्रम्स आप यूज कर सकते हैं।
तो मैंने ये इसलिए गणेश को बुलाया ताकि हमारे हाथ गंदे ना हों, ठीक है? तो मैं इसे कोट कर रही हूँ बैटर में, उसके बाद मैं इसे डालूंगी इसमें और गणेश इसे शेक करेगा. सो लाइक दिस, लाइक आई सेड, सबके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए. एक फोक यूज़ करना है ताकि जो एक्सेस बैटर है वो सारा का सारा हम शेक ऑफ कर लें. बस सिंगल लेयर कोटिंग करेंगे हम. गणेश ऐसे ऐसे से शेक करो, हाँ राइट, यस, जस्ट लाइक दैट. अगर आप कॉर्न चीज़ बॉल या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है. आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और परफेक्ट कोटिंग आपको हमेशा मिलेगी. पैटी तैयार है. इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं या अगर चाहें तो 3 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं. मैं इसे तुरंत यूज़ करूँगी. मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे तेल रखा है रेडी. ये जो बर्गर की पैटीज है, आप इसे शैलो फ्राई तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत सारे जनों के लिए बनानी है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं. मेरे पास एयर फ्रायर भी है तो हम एयर फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं. अगर आप इसे बेक या एयर फ्राई करेंगे तो हल्का सा तेल इस पे ब्रश कर लें. हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कुक्ड है, खाली कोटिंग पे हमें इसे क्रिस्पी करना है. थोड़ा थोड़ा सा जो ये ऑयल है हम ये ऊपर डालेंगे इस तरीके से, और साइड्स पे भी ऑयल डालते रहें. सो मेरा पर्सनल रीज़न ऑफ नॉट डीप फ्राइंग ये है कि डीप फ्राइंग में ना तेल बहुत वेस्ट होता है और शैलो फ्राइंग में कम तेल यूज होता है. अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे. शैलो फ्राई करते टाइम पे जो एजेस है, अगर आपको उसे फ्राई करना है तो इस तरीके से आप एजेस को भी तल सकते हैं. आप देख सकते हैं जो पैटी का कलर है, इट इज परफेक्ट. सारा एक्सेस ऑयल ड्रिप ऑफ कर लें. सो मैक वेजी की टिक्की हो गई है तैयार. अब हम करेंगे इसे असेंबल. सबसे पहले बर्गर बन पे लगाएंगे मेयो. आप होममेड मेयो यूज कर सकते हैं, और अगर मेयो यूज ना करना हो तो हंग कर्ड में थोड़ा सा नमक और हनी डाल के भी यूज कर सकते हैं. ब्रेड के दोनों साइड्स पे लगाना है मेयो. इसके ऊपर लगाएंगे लेटस का पत्ता. लेटस के पत्ते में से सारा का सारा पानी जरूर निकाल लें. इसके ऊपर लगाएंगे हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी पैटी. यू हैव टू हियर कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है. सुन रहे हैं ना, इट इज जस्ट अमेजिंग. पैटी के ऊपर थोड़ा सा मेयो, टमाटर, प्याज एंड द होममेड मैकवेजी बर्गर इज रेडी. ये देखिए, आसानी से हमने घर में ही बना लिया मैकवेजी बर्गर. वेल, जब घर में इतनी आसानी से बना सकते हैं देन मैकडोनल्ड्स जाने की जरूरत नहीं है. आप भी इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये रेसिपी कैसे बनी. और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.